अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी पुलिस ने 2 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल के मार्गदर्शन एवं सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक बीती रात सिटी थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस ने समीप के ही गांव मालखेड़ा फंटे हाईवे रोड पर घेराबंदी की। शंका के आधार पर एक लाल काले रंग की प्लेटिना बाइक क्रमांक MP44 MG1735 पर सवार होकर आ रहे युवक को रोका। तलाशी के दौरान कब्जे से 2 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गई। पूछताछ में पकड़ाए तस्कर ने अपना नाम शांतिलाल पिता घीसालाल पाटीदार उम्र 45 साल निवासी ग्राम अरनिया मामदेव थाना जावत का होना बताया है, जिस पर पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। मामले में पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। कल रात को एक सूचना मिली थी न्यूमा सिटी TI को कि एक व्यक्ति शांतिलाल पाटीदार नाम का वो अफीम लेकर आने वाला है और राजस्थान में कहीं देने जा रहा है। तो इस पर मालखेड़ा फंटे पर चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान शांतिलाल पाटीदार को पकड़ा गया। जब उसकी वाहन को चेक किया गया, जो इंजन जो मोटरसाइकिल MP44 MG1735 की जब डिक्की को चेक किया गया तो उसमें 2 किलो अफीम अवैध रूप से भरकर ले जा रहा था, जो NDPS का अपराध पाए जाने से उसको जब्त किया गया। जब्त अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। उसके पास से एक मोबाइल भी फोन बरामद किया गया और अब न्यायालय पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा और उसके आगे की पूछताछ की जाएगी।